बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में सिसोदिया की रिमांड पर फैसला आएगा। ईडी के रिमांड पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। बड़ी खबर, 21 मार्च तक सीबीआई केस में सिसोदिया पर सुनवाई टली है। 21 मार्च को सिसोदिया की बेल पर सुनवाई होनी है। तो आज जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन यह जमानत याचिका पर अब 21 मार्च को सुनवाई होगी। आज भी तारीख आगे के लिए टाल दी गई। वहीं दूसरी तरफ ईडी रिमांड को लेकर फैसला थोड़ी देर में आने वाला है। तो आज दो मामले, जहां आज जमानत याचिका पर सुनवाई आगे के लिए टाल दी गई है, 21 मार्च को बेल याचिका पर सुनवाई होगी। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी को रिमांड मिलती है मनीष सिसोदिया की या नहीं, इसको लेकर थोड़ी देर में फैसला आएगा, क्योंकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। और शराब घोटाले पर घमासान किस तरह से मचा हुआ है, सिसोदिया के वकील और ईडी के तरफ से जो दलीलें दी गई आज कोर्ट में, सिसोदिया के वकील ने कहा है मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी के वकील मार्जिन बढ़ाकर पैसा कमाया गया, सिसोदिया के वकील कोई पैसा नहीं मिला, 219 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, ईडी की दलील है। तो ये दोनों तरफ से आज दलीलें रखी गई। उधर छापेमारी में कुछ नहीं मिला, सिसोदिया के वकील ने कहा, लेकिन ईडी ने कहा सात गवाहों ने बहुत कुछ बताया है। नीति को एलजी ने मंजूरी दी, बदलाव पर मंजूरी नहीं ली गई, ईडी ने ये दलील दी है। ऐसे में आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अली शरण इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। अली, क्योंकि थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि रिमांड पर फैसला आने वाला है, कितना वक्त और लगेगा, और दूसरी तरफ जिस जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी थी 21 मार्च तक के लिए टाल दिया गया। देखिए बिल्कुल नीतू, जो आज 10 मार्च में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी उसे 21 मार्च के लिए टाल दिया गया है, यानी कि अब उसमें 21 मार्च को एक बार फिर सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरह से दोनों पक्षों की दलील सुनी है न्यायालय में न्यायाधीश ने, और दोनों अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी तरफ से पक्ष रखा है, तो उसको सुनते हुए फिलहाल जो रिमांड की याचिका थी 10 दिन की, उस पर फैसला सुरक्षित रख दिया गया। फिलहाल कुछ देर बाद ये जानकारी मिल रही है, कुछ देर बाद वो फैसला बाहर आएगा ये कहा जा सकता है। लेकिन इस दौरान जितनी भी बहस हुई है, उस बहस के दौरान ईडी के जो अधिवक्ता थे उन्होंने मजबूती से पक्ष रखते हुए कहा है कि उनके पास कई सबूत और कई गवाह ऐसे मौजूद हैं जो आमने सामने बिठा कर ही बात की जाएगी, और ये भी हो सकता है किसी अन्य राज्य ले जाना पड़े जहां बैठ के पूछताछ हो। तो उसके कई सारे ऐसे अभी सवालों के जवाब बाकी हैं जिसको लेकर की 10 दिन की रिमांड पर बहस हुई है। इधर से जो सिसोदिया के अधिवक्ता हैं उनका यही कहना था कि बेवजह एक सवाल को बार बार पूछा जाता है, वही सीबीआई पूछती है, वही ईडी पूछती है। जब मामला सीबीआई में 10 था तो ईडी ने दखलअंदाजी क्यों की, जानबूझ के एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया है हमारे मुवक्किल को कि किसी तरह से बेल ना मिल जाए। तो कहीं ना कहीं जो बेल तो मिली ही नहीं, तारीख आगे के लिए टाल दी गई। अब लगभग 10 दिन और इंतजार करना होगा मनीष सिसोदिया को, बेल याचिका पर 21 मार्च को सुनवाई होनी है। तो क्या ऐसे में समझा जाए कि आज बेल इस वजह से भी नहीं मिली, क्योंकि अब ईजी को कहीं ना कहीं रिमांड मिलेगी, पूछताछ का सिलसिला होगा, और अगर जमानत मिल जाती तो मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से कुछ और कदम उठाए जा सकते थे। ईजी की कार्रवाई में दखल अंदाजी नहीं होने के चलते ही ये फैसला लिया गया कोर्ट की तरफ से कि ये बेल याचिका अब आगे होनी है या नहीं होनी है, इस पर सुनवाई आगे होगी। देखिए बिल्कुल 21 मार्च को इस पर सुनवाई होगी। इससे पहले जो ईडी ने अपनी कार्रवाई तेज करते हुए मामले को में गिरफ्तारी की है, उसको लेकर की भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि एक दिन पहले जानबूझ के सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि अगले दिन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी थी, कहीं ना कहीं बेल पर सिसोदिया बाहर आने थे, इसी के चलते जो सरकार की जांच एजेंसियां उनका दुरुपयोग करके अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। वहीं जो ईडी के अधिवक्ता हैं उन्होंने मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट में कहा है कि उनके पास हर वो सबूत हर वो गवाह मौजूद है जिससे साबित हो रहा है कि इनका सीधा लेन देन उन दो आरोप से था जिनका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, दिनेश और नागर नाम के ये जो दो हैं इस पूरे मामले में आरोपी, इनका सीधा जो कनेक्शन निकल के आ रहा है वो सिसोदिया से आ रहा है, क्योंकि जो ईडी ने अपना पक्ष रखा है न्यायालय में उसमें कहा है कि सीधा जो तालमेल था, सीधा जो मेल था सिसोदिया से था शराब के बड़े कारोबारी का। तो किस बेस पे
उनको लाइसेंस दिया गया, ऐसी तमाम सारी बातें कही कोर्ट में, जिसको लेकर कि मंथन हुआ है और फैसला सुरक्षित रखा गया है। नीतू, तो कुल मिलाकर मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका है वो आज टाल दी गई है। दलीलें कई रखी गई, देखिए हम दलीलें भी दिखा रहे हैं अली कि कितनी स्ट्रांग दलील ईडी की तरफ से रखी गई। हालांकि मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से जो जो दलीलें रखी गई कि कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन उधर कहा जा रहा है कि 219 करोड़ घोटाले हुए हैं, इस तरह से जिक्र किया गया। तो कुछ दलीलें भी आज जिस तरह से रखी गई हैं अली, उसमें देखा जा रहा है कि ईडी की तरफ से स्ट्रांग दलील रखी गई है। देखिए बिल्कुल, सबसे बड़ा अपडेट आपको न्यूज इंडिया के तमाम दर्शकों को देते हैं। 10 दिन की जो रिमांड याचिका लगाई थी ईडी ने, उसमें 7 दिन की रिमांड दे दी गई है। यानी कहा जा सकता है कि अब 7 दिन तक ईडी की कस्टडी में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया। तो ये सबसे बड़ा अपडेट हम सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को, न्यूज इंडिया के तमाम दर्शकों को दे रहे हैं कि 7 दिन की रिमांड दे दी गई है न्यायालय की तरफ से। नीतू, बड़ी खबर इस वक्त की, 7 दिन की रिमांड पर ईडी कस्टडी में मनीष सिसोदिया, ये बड़ी जानकारी अली हमें बता रही है कि 7 दिन की रिमांड मिली है ईडी को। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर, 7 दिन तक ईडी रिमांड पर मनीष सिसोदिया रहेंगे। यानी आज का फैसला ईडी के हक में आया, और ये इसलिए भी क्योंकि अली लगातार हम ये कह रहे हैं कि आज ईडी की तरफ से वकील ने जो दलीलें पेश की वो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के वकील से ज्यादा स्ट्रांग रही है, और पूछताछ का सिलसिला बाधित ना हो इसीलिए ये रिमांड की तारीख और दिन को बढ़ा दिया गया। अली, देखिए बिल्कुल नीतू, जिस वक्त के बहस का सिलसिला जारी था कोर्ट में, अधिवक्ता ईडी और अधिवक्ता सिसोदिया के, जब दोनों की तरफ से ये बहस का सिलसिला जारी था, तो उस समय मजबूती से अपना पक्ष रखा गया था ईडी के अधिवक्ता की तरफ से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन पर कई सारे ऐसे गवाह हैं, सबूत हैं, जिसके आधार पर उनको रिमांड चाहिए। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से दलीलें सुनने के बाद न्यायालय में न्यायाधीश ने जो फैसला दिया है ईडी के पक्ष में, वो कहीं ना कहीं मजबूत है। 7 दिन का रिमांड दिया है, 10 दिन का रिमांड याचिका की एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन अब 7 दिन तक उनको अब ईडी के कस्टडी में रहना पड़ेगा और ईडी अपने हिसाब से पूछताछ करेगा। 17 मार्च तक ईडी कस्टडी में मनीष सिसोदिया, ये बड़ी खबर इस वक्त की। 17 मार्च तक ईडी रिमांड में रहेंगे मनीष सिसोदिया। अली लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो हर जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। 7 दिन की रिमांड मिली है ईडी को, और इन 7 दिनों में पूछताछ होगी। और ये पहले ही लगभग अली तय माना जा रहा था, क्योंकि जब बेल याचिका पर आज सुनवाई नहीं हुई, आगे की तारीख डाल दी गई, तो कहीं ना कहीं ये रास्ता भी क्लियर हो गया था कि ईडी के हक में ही आज का फैसला होगा, यानी कि ईडी को मनीष सिसोदिया की कस्टडी मिल जाएगी। देखिए बिल्कुल नीतू, जिस तरह से मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए ईडी के अधिवक्ता ने न्यायालय में बात कही थी, उसको लेकर की मंथन हुआ, क्योंकि 65 पेजों से करीब 57 पेज की जो इन्होंने रिमांड याचिका लगाई थी ईडी ने, उसको पढ़ने के बाद ही ये निर्णय लिया गया है कि आखिरकार ऐसे क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु लिखे गए थे जिसके आधार पर रिमांड मिलनी थी, तो और मिल भी गई, 7 दिन की रिमांड मिली है। अभी कहा जा सकता है कि 7 दिन तक कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल और गवाह जो ईडी के पास मौजूद है, उनसे लेकर के सिसोदिया को आमने सामने बिठा करके पूछताछ की जाएगी। और इम्पोर्टेंट ये भी है कस्टडी मिलना अली, क्योंकि इससे पहले सीबीआई भी कह रही थी कि उनसे जब सवाल जवाब किया गया मनीष सिसोदिया से तो सहयोग नहीं मिला, आज ईडी भी कह रही है कि सहयोग नहीं मिला है सवाल जवाब करते हुए, तो ये स्ट्रांग पॉइंट जो है ईडी के वकील की तरफ से रखा गया। सीबीआई ने भी यही बात कही थी, ईडी भी यही बात कह रही है। देखिए ईडी ने जब अपना पक्ष रखा तो सुबह ही साफ तौर कर दिया था न्यायालय में न्यायाधीश के सामने कि 2 बार उन्होंने तिहाड़ जेल में पूछताछ की, 1 बार 6 घंटे और 1 बार 8 घंटे। 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस दौरान जो साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं किया गया जाँच में, बार बार सवाल किए जा रहे थे, लेकिन सिसोदिया ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके चलते ही ये रिमांड याचिका लगाई है। रिमांड याचिका पर जो रिमांड मिली है, इसके आधार पर अब जो 7 दिन तक ईडी के कस्टडी में रहेंगे सिसोदिया, उस दौरान जो पूछताछ का सिलसिला है वो कहा जा सकता है कि उसमें सहयोग मिल सकता है, क्योंकि अब उनके तरीके से ही पूछताछ की जाएगी। तो ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 7 दिन की रिमांड मिली है मनीष सिसोदिया को। 7 दिन की ईडी रिमांड मिली है और ईडी कस्टडी में रहेंगे मनीष सिसोदिया। लगातार ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 17 मार्च तक ईडी रिमांड पर
मनीष सिसोदिया। कोर्ट की तरफ से आज फैसला आ गया, ईडी को ये रिमांड मिल चुकी है। अली लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अली, क्योंकि अब पूछताछ एक बार फिर से मनीष सिसोदिया से किए जाएंगे, तो क्या लगता है जब ईडी की पूछताछ होगी तो जिन नामों का जिक्र ईडी के वकील ने किया था आज कोर्ट में, उनसे भी पूछताछ होगी इन 7 दिनों में, या फिर वो अलग से प्रक्रिया होनी है? देखिए, शराब नीति घोटाले मामले में अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 5 शेष हैं। उन तमाम, क्योंकि इस पूरे मामले में 16 आरोपियों को नामजद आरोपी बनाया गया था, सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया था, इस पूरे मामले को लेकर के जो गवाह हैं या और आरोपी हैं उनसे जो इनपुट निकल के आए हैं वो यही आए हैं। अब तक की जो जानकारी के मुताबिक हमें जानकारी है सूत्रों के हवाले से कि कहीं ना कहीं सीधे तार सिसोदिया से मिलते नजर आए, क्योंकि उन्होंने 1 साल के अंदर 14 सिम भी यूज़ किए हैं जो खुद पर्सनल बात करते थे, और वो फ़ोन नष्ट किए हैं, वो सिम नष्ट किए हैं जिनसे वो बात करते थे। तो ईडी ने यही बात रखी कोर्ट में कि जब वो इन्होंने अपने फ़ोन नया खरीद के यूज़ किया था तो उसको नष्ट क्यों किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात थी जो ये घोटाले संबंधित थी, उसको इन्होंने मोबाइल को नष्ट क्यों किया, सिम क्यों नष्ट किए। तो ऐसे कई सारे सवाल बाकी हैं। वो अलग जहाँ से सिम खरीदे गए, अलग अलग नामों पर उनका इस्तेमाल किया गया और उन्हें यूज़ किया गया, तो क्यों किया गया? जब आप ठीक हैं तो आपने क्यों ये सिम इस्तेमाल किए? तो ऐसे सवाल जब न्यायालय में न्यायाधीश के सामने। संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेते हैं सबसे पहले। सैकड़ों हजारों करोड़ का घोटाला बता रही है, कोई कहता है 10,000 करोड़ का घोटाला, कोई कहता है 2,000 करोड़ का घोटाला। इतने छापेमारियों के बाद, पूरी सीबीआई ईडी लगाने के बाद, सारी जांच एजेंसियों की ताकत झोंकने के बाद क्या बरामदगी हुई आप बताइए, पूरे देश को सामने आकर बताइए क्या क्या आपने बरामद किया, कितने पैसे मिले मनीष सिसोदिया के घर, कितनी रिकवरी हुई मनीष सिसोदिया के घर, किस आरोप और जुर्म में आपने मनीष सिसोदिया को जेल में रखा है, बताइए आप। कोई जवाब नहीं है। जवाब सिर्फ एक है, आम आदमी पार्टी को किसी तरीके से रोको, मनीष सिसोदिया को किसी भी तरीके से जेल में रखो, और जो भ्रष्टाचार के आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके मित्र के ऊपर लग रहे हैं, उस अडानी के घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जो भ्रष्टाचार में सर से पांव तक डूबी हुई है, उस भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए ये रोज नए नए ड्रामे, नई नई कहानियां, नई नई सीबीआई के किस्से, नए नए ईडी के किस्से आ रहे हैं। इसका न सिर है न पांव है, और भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी बन गई है जिसमें जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। आप सोचिए, वाटर स्कैम का आरोप हेमंत विश्व शर्मा पर भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, फिर उसको मुख्यमंत्री बना दिया। मुकुल राय पर शारदा स्कैम का आरोप लगाया, फिर उसको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। शुभेंदु अधिकारी पर शारदा स्कैम के भ्रष्टाचार की जांच चलती है, फिर उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बंगाल का बना दिया। नारायण राणे पर लैंड स्कैम, जमीन के घोटाले का मामला चलता है सीबीआई में, फिर उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है। अजीत पवार पर चक्की पिसिंग पिसिंग कहके सिंचाई घोटाले का 40,000 करोड़ का आरोप लगाया जाता है, फिर 6:30 बजे सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर शपथ ले ली जाती है। यदुरप्पा पर माइनिंग घोटाले का आरोप लगता है, फिर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। शिवराज सिंह पर व्यापम घोटाले का आरोप लगता है, फिर उन पर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। ये इनकी हालत है, ये इनकी हालत है। पूरा देश देख रहा है प्रधानमंत्री जी, आप में जरा सा भी नैतिक साहस है तो आइए और बताइए मनीष सिसोदिया के घर पे क्या रिकवरी हुई, बताइए इतने सारे छापेमारियों के बाद कितना कैश मिला, क्या क्या बरामदगी हुई, बताइए पूरे देश को। और जहां बरामदगी होती है वहां पर आंख पर पट्टी बांध लेते हो आप लोग, वहां आपकी सीबीआई, वहां आपकी ईडी, वहां आपकी जांच एजेंसियां ऐसे मामलों में गजनी मोड में चली जाती है, गजनी मोड में। याददाश्तिक हो जाती है जब बीजेपी एमएलए के बेटे के घर 8 करोड़ रुपए निकलता है, कैश में मोटी मोटी गड्डियां सामने आती है,
उसको जमानत मिल जाती है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जब अडानी का घोटाला सामने आता है, मॉरिसस में एक पते पर 6 कंपनी खोलकर 42,000 करोड़ रुपए काला धन, उन 6 कंपनियों की आमदनी का जरिया पता नहीं, अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान के अंदर 42,000 करोड़ रुपए लगाया जाता है, कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई जांच एजेंसी उस पर कार्रवाई नहीं। तो संजय सिंह को आपने सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और कहां है वो सबूत, कोई सबूत नहीं मिला ईडी को। और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना ही बड़ा पदाधिकारी, कुछ नहीं मिला तो ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। मनीष सिसोदिया को 7 दिन की ईडी रिमांड पर लिया गया है। ईडी के रिमांड पर संजय सिंह ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अली लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अली, अब ऐसे में आम आदमी पार्टी फिर वही बातें दोहरा रही है कि एजेंसियां बीजेपी के अंडर काम कर रही हैं। देखिए नीतू, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं पहले से ही इस पूरे मामले को लेकर के सरकार को और एजेंसियों को घेरते नजर आ रहे हैं, जबकि कई बार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इसका खंडन भी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जांच एजेंसियां जो अपना काम कर रही हैं उनके पास सबूत है, उनके पास गवाह हैं, उसके आधार पर ही जब अभी क्योंकि कोर्ट में जब बहस चल रही थी इस दौरान जब सिसोदिया के अधिवक्ता ने कहा कि आप क्यों चाहते हैं रिमांड, तो ईडी के अधिवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि उनके पास सबूत हैं, उनके पास वो गवाह हैं जिससे साबित हो रहा है कि इन्होंने सीधे इन्वॉल्वमेंट सिसोदिया का था इस पूरे घोटाले मामले में। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई इनके पास सबूत नहीं है, तो फिर ये बात बहस के दौरान कही गई कि 1 साल के अंदर 14 सिम 14 मोबाइल क्यों यूज़ किए गए, क्या वजह थी जो उन मोबाइलों को यूज़ करने के बाद नष्ट किया गया, क्या वजह थी जो उन सिमों को तोड़कर फेंका गया, अलग अलग सिम एड्रेस से लिए गए थे, तो इन बातों को लेकर की बड़ी बात ये है कि अब ईडी को रिमांड मिल चुकी है 7 दिन की मनीष सिसोदिया की। अब उनसे पूछताछ किया जाना है इन 7 दिनों में और उसके बाद फिर एक बार फिर कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ 21 मार्च को बेल याचिका पर भी सुनवाई होनी है। अली, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो लगातार